हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग गुड। आई एम योर होस्ट ज़ैन एंड वेलकम टू आवर चैनल ज़ैन डिस्कवरी। सो गाइस, आज जो है मैं 2 हफ्ते बाद आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संडे का मार्केट का रिव्यू। उसका रीज़न ये है कि मैं जो हूँ वो आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, और मैंने उसके भी जो है वो जो मैं लाहौर और रावलपिंडी गया था उसके मैंने बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स जो है वो चैनल पर अपलोड किए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से जो है वो लेकर आया हूँ इतवार बाज़ार का रिव्यू, और मैं कोशिश करूँगा यहाँ रेट्स वगैरह को आपका जो है बताऊँ कि क्या रेट्स वगैरह यहाँ पर चल रहे हैं मार्केट में, और जो है कोशिश करूँगा कि सस्ती सस्ती गाड़ियाँ मैं आप लोगों को दिखाऊँ जो कि अच्छी कंडीशन में हों। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जिन गाड़ियों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कवर करने की, मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियाँ निकाल के इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, मार्केट का रिव्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने संडे मार्केट है, और आज मार्केट में काफ़ी रश है और गाड़ियाँ भी काफ़ी हैं और ख़रीदार भी काफ़ी हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये जो है मार्केट की इस वक्त कंडीशन है, मार्केट की सूरत हाल है। आप देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियाँ आई हुई हैं, और बस ये जो है ये समझें आप शाम का वक्त है, इसके बाद जो है वो फिर अंधेरा हो जाता है और ये यहाँ पे ग्राउंड जो है वो खाली होने लग जाता है। तो शाम के वक्त हम कोशिश करते हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ आप लोगों को कवर कर सकते हैं वो कवर करके दिखाएँ। दोस्तों देख सकते हैं सुजुकी स्प्लैश, इसका रिव्यू करते हैं, इसकी डिटेल्स वगैरह से ओनर से लेते हैं और मैं आपको इस गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखाता हूँ कि गाड़ी कैसी है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं गाड़ी का डोर वगैरह देखिए, फीचर्स की बात करूँ तो पावर विंडोज, पावर स्टेयरिंग, डैशबोर्ड साफ सुथरा है, ये देख सकते हैं आप RPM, और ये इसका स्पीडोमीटर, AC वगैरह के भी देखें फ्लैप वगैरह कितने अच्छे हैं, फुटपाथ देखिए कितना साफ सुथरा है। इसके अलावा पिलर, ये पिलर हैं गाड़ी के, सीट्स देखें आप इसमें सोफ़ा सीट्स हैं, और जो है आप सीट कवर्स भी देखें वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा अगर बात करूं तो मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर गाड़ी है, ये एक स्पेस है पीछे से आप देख सकते हैं, लेग स्पेस मुझे इसका थोड़ा कम लग रहा है गाड़ी का, लेकिन ओवरऑल गाड़ी जो है वो साफ़ सुथरी है, गाड़ी जो है साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। गाड़ी फ्रंट से दिखा दिया, मैं बैक से भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं नाजिम, ये बैक डोर है इसका, ये बैक से कंडीशन है तो साफ़ सुथरी गाड़ी है। फुटपाथ भी देख सकते हैं, मैंने जैसा बताया कि लेग स्पेस मुझे थोड़ी कम लग रही है इस गाड़ी के अंदर, बाकी अच्छी है, पीछे स्पीकर्स भी इंस्टॉल्ड है, गाड़ी साफ़ सुथरी है नाजिम। ये गाड़ी की छत है, छत देख सकते हैं आप, छत से भी गाड़ी को देखिए और ये बैक से देख सकते हैं गाड़ी को। इंजन रूम भी दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं नाज़रीन आप, ये इंजन रूम की इसकी कंडीशन है, इंजन रूम जो है आप देख सकते हैं सर्विस की ज़रूरत है, बाकी इंजन रूम साफ़ सुथरा है। बैटरी की बात करूँ तो ड्राई बैटरी है, और बोनट देख सकते हैं आप इसका, रस्टिंग क्रोजन बोनट पे नहीं है। नंबर आपके पास आ गया है, मज़ीद डिटेल के लिए आप ओनर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और गाड़ी को विज़िट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। सर आपका नाम? मेरा नाम जहाँज़ेब खान है। ठीक है जानसे भाई, अपनी गाड़ी की जो है डिटेल्स वगैरह हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। सर ये सुजुकी स्प्लैश है, 2014 मॉडल, 17 की रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ओनर कार है ये, हमारी सेल्फ इंपोर्ट है, एंड इसका माइलेज है 33,000 ओरिजिनल माइलेज है इसका। अभी थोड़ी सी डेडी कंडीशन के अंदर है बिकॉज ये घर पे ही खड़ी हुई है, मेरी स्पेयर कार है, एंड उसके अलावा इट्स कम्प्लीटली ओरिजिनल कार। तो ये आपके पास कब से है ये गाड़ी? ये हमारे पास 2017 से ही है। अच्छा, और ये बताएगा इस गाड़ी में कोई मेजर काम वगैरह तो नहीं है? नहीं, कोई काम नहीं है, मुझे कोई तंग नहीं करती है ये। अच्छा, और इसका क्या पेट्रोल एवरेज वगैरह क्या? इसका फ्यूल एवरेज अराउंड इन सिटी 17 to 18 है विद AC। अच्छा, और ये कितने CC इंजन है? ये 1000 CC इंजन है इसका। 1000 CC इंजन। अच्छा ये बताएगा की ये गाड़ी जो है इसकी कितना ये चल चुकी है गाड़ी? ये 33,000 चल चुकी है। और इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी हम डिमांड कर रहे हैं 1850। और ये कराची में कहाँ अवेलेबल है? ये कराची में फेडरल बी एरिया में अवेलेबल है। सही है सही है, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। ओके, 0315-824-7781। ठीक है ठीक है, थैंक यू। नाज़रीन ये देख सकते हैं आप सुजुकी कारवान, आप पहले इसकी कंडीशन वगैरह देखिए गाड़ी की, बाहर से भी देख सकते हैं आप इसको, ये साइड से देखिए आप इसको, टायर्स वगैरह भी देख सकते हैं आप इसके, तो काफ़ी बड़ी गाड़ी है ये, जस्ट लाइक अ हाई रूफ। ये देख सकते हैं राइट साइड से भी इस गाड़ी को, 4x4 है ये, देखिए आप यहाँ पे मेंशन भी है, ये सीधा हाथ से भी डोर वगैरह देख सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा इसका ड्राइविंग डोर देखिए। अच्छा दरवाज़ा अगर की इसकी बात करूँ, दरवाजे की तो काफ़ी बड़ा है दरवाज़ा इसका ना,
इसके आगे से भी देखें, फेंडर वगैरह देखें, और ये आप देख सकते हैं इसका बोनेट वगैरह देखिए आप इसका, ये बम्पर वगैरह भी देख सकते हैं, फॉग लाइट भी मौजूद है गाड़ी के अंदर, लाइट्स भी देख सकते हैं, हेडलाइट वगैरह साफ सुथरी हैं। ये देखिए आप इसका जो है विंड स्क्रीन बोनट, तो गाड़ी बॉडी वाइज तो जो है वो काफ़ी साफ सुथरी रखी हुई है ओनर ने। अभी तक मुझे कोई बड़ा जो है मेजर पीस जो है इसमें डेंट पेंट का नज़र नहीं आया। रूफ टॉप से भी देख सकते हैं कलर वगैरह जो है उसका उड़ा हुआ नहीं है, गाड़ी जो है काफ़ी साफ सुथरी है। बाकी मज़ीद डिटेल हम ओनर से ले लेंगे। ये देख सकते हैं फ्रंट डोर ड्राइविंग डोर इसका, ये भी साफ सुथरा है, रस्टिंग वगैरह नहीं है। फीचर्स की बात करूँ तो पावर विंडोज गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, या पिलर्स वगैरह भी इसके देख सकते हैं। ये देखें डोर की कंडीशन भी साफ सुथरी, इसके अलावा पिलर्स भी क्लियर हैं, बने हुए नहीं हैं, फुटपाथ ऑल गुड। ये इसकी सीट्स वगैरह हैं, सीट्स वगैरह देख सकते हैं नॉर्मल हैं। बाकी पावर स्टीयरिंग मौजूद है गाड़ी में, डैशबोर्ड भी साफ सुथरा है, एसी के फ्लैप वगैरह भी देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी जो है वो वाइब आ रही है गाड़ी से। ये देख सकते हैं ये भी फ्लैप यहाँ पे भी मौजूद है, पीछे से भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं बैक डोर इसका, तो इसका जो बैक डोर है वो हाई रूफ जैसा है आप देख सकते हैं, और सीट्स वगैरह भी आप देखिए वो हाई रूफ जैसी हैं। जिसमें ये है कि इसके पीछे भी हैं ये दो सीट्स हैं, और इसके पीछे भी जो है वो सीट्स मौजूद हैं। अब ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये देखिए ये पीछे की इसकी सीट्स हैं, मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये पीछे से इसकी सीट्स वगैरह हैं, वो काफ़ी स्पेशियस है, अच्छी है गाड़ी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो साफ सुथरी है। मज़ीद डिटेल के लिए ओनर के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका नाम? मेरा नाम है सैयद साइम अली। अच्छा साइम भाई, गाड़ी की डिटेल्स शेयर कीजिएगा। यार इसकी डिटेल 2022 मॉडल है, ठीक है ना, कार्बन प्लस है, ये फुल ऑप्शन वाली गाड़ी है, पूरी ओरिजिनल गाड़ी है। इसकी डिमांड है 22.5 लाख रुपए। अच्छा, और ये बताएगा ये कितना चली हुई है गाड़ी? ये अराउंड तकरीबन 50-55 किलोमीटर चली हुई। अच्छा, और ये फर्स्ट ओनर है? जी फर्स्ट ओनर है, नाम पर है गाड़ी और ट्रांसफर मस्ट है। अच्छा सही है, और ये बताएगा गाड़ी कराची में कहाँ मौजूद है? ये कराची में नाजाबाद नियर मेट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास। अच्छा, नंबर शेयर कर दीजिएगा। 0334-309-2147। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आप ये देख सकते हैं सुजुकी ऑल्टो 2012 का ये मॉडल है, आप इसको पहले बाहर से देख सकते हैं, इसकी कंडीशन देखिए बॉडी वाइज। ये देखिए मैं बैक से दिखा रहा हूँ इसको, तो इसमें देखें ये जो है 2012 के अंदर जो है यहाँ पे क्रिस्टल लाइट्स आ गई थी। तो ये 2012 के मॉडल, मतलब 2010 या 7-8 के मॉडल के बाद जो है ये लाइट्स आई हैं, उससे पहले जो है वो प्लेन लाइट्स जो है ऑल्टो की होती थी। अच्छा, बॉडी वाइज अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देख सकते हैं वो साफ़ सुथरी है बॉडी इसकी, टायर भी आप देख सकते हैं नए टायर जो है, और अच्छी क्वालिटी के टायर इसमें इंस्टॉल्ड हैं। दोनों दरवाज़े भी देख सकते हैं आप, ये देखिए दोनों दरवाज़े आगे और पीछे के दोनों दरवाज़े, तो कोई मेजर जो है डेंट पेंट नहीं है, प्लस स्क्रैचेस भी एज सच मेजर नहीं है, हल्के फुल्के हैं। बाकी ये पिलर्स वगैरह देख सकते हैं आप, और विंड स्क्रीन भी देखिए साफ सुथरी है विंड स्क्रीन, और उसके अलावा बोनट भी देख सकते हैं, ये इसका बोनट है, बोनट भी साफ सुथरा है, स्क्रैचेस भी नहीं है जैसा कि मैंने बताया आपको। ये बम्पर देख सकते हैं गाड़ी का, लाइट्स भी देखिए वो साफ़ सुथरी हैं गाड़ी की, हेडलाइट भी कहीं से टूटी हुई नहीं है, प्लस आप लेफ़्ट साइड से भी देख सकते हैं गाड़ी को, ये इसकी लेफ़्ट साइड है गाड़ी की, ये दोनों दरवाजे पीछे के हैं। तो गाड़ी जो है बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर ओनर ने रखी हुई है, 9.25 लाख रुपए इसकी डिमांड है। बाकी ये छत ज़रा देख सकते हैं, छत थोड़ी सी जो है ये यहाँ से ये दबी हुई लग रही है, छत का थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे छत में नज़र आ रहा है हल्का फुल्का काम, ये देख सकते हैं। लेकिन कलर वलर की बात करूँ तो वो साफ़ सुथरा है, बाकी अंदर से भी मैं इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं फ्रंट डोर इसका, ये फ्रंट डोर से गाड़ी को देख सकते हैं, प्लस पिलर्स वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पिलर्स भी हैं इस गाड़ी के साफ़ सुथरे। ये देखिए नाज़रीन यहाँ से आप देखिए गाड़ी को, रस्टिंग वगैरह नहीं है, फुटपाथ देख सकते हैं, सीट्स देखिए इसकी प्लास्टिक जो है वो चढ़ा हुआ है सीट्स पे। बाकी आप ये देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड,
तो डैशबोर्ड भी साफ सुथरा है, पैनल जो है वो एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है इस पे, ये एसी का फ्लैप भी सही है। तो ये जो है ये फ्रंट से इस गाड़ी को मैंने दिखाया है, बैक से भी आपको इस गाड़ी को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, ये इसका बैक डोर है, ये देख सकते हैं फुटपाथ वगैरह देखिए इसका भी, यहाँ से देखें पिलर्स वगैरह साफ सुथरे हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं अंदर से सीट्स भी अच्छी कंडीशन में है, ये बाकी ट्रंक है, तो बेसिकली जो है इसमें सीएनजी नहीं है, पेट्रोल पे। ये मजीद डिटेल के लिए हम ओनर के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको इंजन रूम दिखा देते हैं। इंजन रूम देख सकते हैं नाज़रीन, इंजन रूम भी साफ़ सुथरा है गाड़ी का, कुप्पे वगैरह देखिए आप, ये कुप्पे हैं, टिकली वगैरह देखिए, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में ओनर ने जो है गाड़ी को मेंटेन करके रखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं बोनट भी, रस्टिंग वगैरह बोनट पे भी मौजूद नहीं है, जंग वगैरह नहीं है। तो काफ़ी बॉडी वाइज अगर मैं बात करूं और इंटीरियर जो भी मैंने आपको दिखाया, काफ़ी साफ़ सुथरी कंडीशन में गाड़ी मौजूद है। ओनर के पास चलते हैं और मज़ीद डिटेल इसकी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? अशद। अच्छा अशद भाई, ये बताएगा गाड़ी की अपनी फीचर्स और डिटेल्स। ये सर अब 2012 है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, और आपका अल्लाह भला करे न्यू टायर न्यू रिम डले में है, बैटरी इसकी सेट है, एसी वर्किंग में है, टच अप में एक दो पीस टच अप में है, और गाड़ी चलने में सस्पेंशन में इंजन के हवाले से बिल्कुल परफेक्ट है। काफ़ी टाइम से जो है ना अपने हमारे पास ही है गाड़ी, है गाड़ी मौजूद है कराची में, ये नॉर्थ नाजमाबाद एच ब्लॉक में खड़ी हुई है, हैदरी में। अच्छा, और ये बताएगा ये गाड़ी की फाइनल डिमांड क्या कर रहे हैं आप? सर आपके तवज्जुह से मैं ये फाइनल बिल्कुल 9,25,000 रुपए कर दूंगा। 9,25,000, वैसे 9.5 लाख रुपए, लेकिन आपको 9। कोई मेजर काम वगैरह? कोई मेजर माइनर एक्सीडेंट नहीं है, कोई मेजर काम नहीं है गाड़ी में। सही है सही है, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 03009290214। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो नाज़रीन ये देख सकते हैं आप होंडा सिटी, आप इसको बाज़ाहिर देखिए, पहले ये इंजन रूम देख सकते हैं आप, इंजन रूम से हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी को। ये देखिए बोनट वगैरह देखें, साफ़ सुथरा है बोनट, रस्टिंग वगैरह देखें बोनट पे मौजूद नहीं है, आप ये देख सकते हैं बोनट इसका। बाकी इंजन रूम की बात करूँ तो देखें सर्विस वगैरह प्रॉपर हुई हुई है, कुप्पे वगैरह देख सकते हैं आप, गाड़ी के कुप्पे हैं दोनों के, लेफ्ट साइड राइट साइड के। बाकी इंजन रूम देख सकते हैं आप इसका, बैटरी की बात करूँ तो ड्राई बैटरी लगी हुई है, तो इंजन रूम जो है प्रॉपर सर्विस के साथ साफ सुथरा हुआ हुआ है। गाड़ी की अगर मैं जो है बॉडी वाइज बात करूं तो सिर्फ दो पीस टचअप है, बाकी गाड़ी जो है वो जेन्युइन कंडीशन में है, ये आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक डोर गाड़ी का। इसके अलावा टायर वगैरह आप देख सकते हैं, टायर भी अच्छी कंडीशन में ऑलमोस्ट मौजूद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पिलर्स और गाड़ी की छत देखिए। अच्छा, छत के हवाले से देख सकते हैं आप, अगर छत गाड़ी का जो है रंग छोड़ने लगे तो उसका मैंने आप लोगों को बताया है पहले भी अपनी वीडियो में, कि जब गाड़ी की छत जो है वो उसका कलर फेड होने लगे तो आप उस पर रैपिंग करवा लें, ब्लैक कलर की रैपिंग करवाएं, उससे ये होगा कि गाड़ी जो है वो उसका कलर फेड नहीं होगा उसकी छत का, प्लस आपकी जो है गाड़ी वो ठंडी रहेगी। आप ये देख सकते हैं इसके लेफ़्ट साइड से दोनों डोर्स देख सकते हैं आप, ये देखिए इसको यहाँ से भी टायर भी देख सकते हैं। अच्छा, ये देखिए थोड़ा सा आउट हुआ है इसका पीछे वाला बम्पर, ये आप देख सकते हैं। बाकी पीछे वाली लाइट्स वगैरह देखिए आप, ये देख सकते हैं, बैक कैमरा भी देखें गाड़ी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये बैक से मैं आप गाड़ी को दिखा रहा हूँ, ये रियर स्क्रीन देख सकते हैं आप इसकी, ये आप देख सकते हैं इसको यहाँ से भी करीब से देखिए गाड़ी को, ये देख सकते हैं आप फ्रंट से भी देखिए, हेडलाइट्स वगैरह देख सकते हैं प्रॉपर हैं, कहीं से कोई प्लास्टिक वगैरह डैमेज नहीं है। बाकी इंटीरियर वाइज भी मैं आपको इस गाड़ी को दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं फ्रंट डोर, फ्रंट डोर देखिए आप इसका साफ सुथरा है नाज़रीन, ये देखिए ये डोर वगैरह देखिए आप, साफ सुथरा है, रबड़ प्रॉपर सील्ड है। फीचर्स की बात करूं तो पावर विंडोज वगैरह मौजूद है, आप ये देख सकते हैं पावर स्टेयरिंग, और आप देखिए डैशबोर्ड देखिए, यहाँ से डैशबोर्ड भी प्रॉपर साफ सुथरा है, कहीं से कोई पीस डैशबोर्ड का क्रैक नहीं है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि आर्म रेस्ट मौजूद है गाड़ी के अंदर, सीट्स भी देखिए प्रॉपर सीट्स मौजूद हैं, सीट कवर्स भी अच्छी कंडीशन में हैं। आप ये देखिए इसकी छत भी देखिए नाज़रीन, तो छत का भी जो फोम है वो प्रॉपर सील्ड है। तो ये मैंने फ्रंट से दिखा दी है, बाकी बैक से भी दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन के अंदर गाड़ी मौजूद है, ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये बैक डोर इसका, ये देखिए फुटपाथ देखिए, इसका मोनोग्राम तक सील्ड है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये डोर है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, कैसा साफ़ सुथरा है देख सकते हैं नाज़रीन आप।
ये पिलर 32.5 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं ओनर, ये आप देख सकते हैं पीछे से भी। तो गाड़ी जो है मुझे तो बॉडी वाइज अच्छी लग रही है, बाकी आप खुद भी देखिए मुझे बताइए अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी हो तो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद अदील। अच्छा अदील भाई ये बताएगा ये गाड़ी की माइलेज क्या है? 71,000 है। सही है। और ये कौन सा मॉडल है? 2016 मॉडल है। अच्छा इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? 2250। सही है। ये कराची में कहाँ मौजूद है? सॉरी 22 बोल रहा हूँ आपको, 3250। अच्छा यानी 32.5 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं। और ये कराची में कहाँ मौजूद है? ये जावेद निहारी आपने देखा है, फेडरल बेरिया ब्लॉक 15। अच्छा अच्छा। तो ये बताएगा ये गाड़ी में कोई मेजर काम वगैरह तो नहीं है? मेजर तो कोई ऐसा 1 रुपए का भी कोई काम नहीं है गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी 0 मीटर स्टाइल की है, 71,000 चली हुई है, ये हमारे घर के ही नाम पे गाड़ी। सही है, सही है। तो ये इसका इंजन प्रॉपर 100% ट्रांसमिशन, 100% सस्पेंशन, 100% इंजन। और कौन कितने ओनर हैं गाड़ी के? सेकंड ओनर गाड़ी है। सही है, सही है। तो आप अपना नंबर प्लीज शेयर कर दीजिएगा। नंबर 03-0330-298-2939। तो नाज़रीन आपके पास अदील भाई का नंबर आ गया है, लोकेशन आप लोगों को पता चल गई है, गाड़ी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप गाड़ी को विजिट कर सकते हैं और अदील भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो नाज़रीन ये देख सकते हैं आप टोयोटा वेट्स, आप इसको बज़ाहिर देखिए 18 का बेसिकली ये मॉडल है, 22 की रजिस्ट्रेशन है गाड़ी की। अगर मैं आपको फिज़िकल गाड़ी की बात करूँ तो देखिए जेट ब्लैक कलर के अंदर मौजूद है, गाड़ी साफ़ सुथरी है। ब्लैक कलर में सिर्फ एक यहाँ पे कराची के अंदर स्पेशली एक इशू है, वो ये है कि देखें गाड़ी आप साफ़ कर रहे हैं कुछ घंटों बाद वापस मिट्टी आ जाती है। बाकी जो है कलर मेरा तो ये पसंदीदा और लोग इसको जो है वो पसंद करते हैं काले कलर को। आप देख सकते हैं कैसी खूबसूरत जो है ये कंडीशन में गाड़ी मौजूद है। रेयर स्क्रीन भी देख सकते हैं, पीछे की दोनों हेडलाइट देख सकते हैं, बम्पर देख सकते हैं आप, साफ़ सुथरा है। कहीं से गाड़ी जो है वो नहीं, पीछे से नज़र नहीं आ रही कि कहीं से कोई गाड़ी लगी भी हो या कहीं मेजर डेंट हो, इवन दो के स्क्रैचेस भी गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं हैं अभी तक जहां तक हमने गाड़ी देखी है। टायर देख सकते हैं, टायर उसमें हिसाब से जो है वो बदलवाने की ज़रूरत है क्योंकि टायर जो है ये गंजा हो रहा है। बाकी आप ये देख सकते हैं दोनों डोर्स देखिए, बैक डोर देखें, फ्रंट डोर देख सकते हैं, ये भी साफ़ सुथरा मौजूद है। इसके अलावा साइड मिरर्स देख सकते हैं और ये पिलर्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। रूफ़ टॉप की बात करूं तो रूफ़ टॉप का भी कलर जो है वो 10/10 है, कहीं से फेड नहीं है। बाकी इसकी बात इसके अलावा अगर हम देखें इसकी विंड स्क्रीन तो ये देख सकते हैं विंड स्क्रीन क्लियर है, स्क्रैचेस नहीं है विंड स्क्रीन पर, कहीं से विंड स्क्रीन क्रैक नहीं है। तो ये मेजर मेजर चीज़ें होती हैं जो कि गाड़ी में देखने वाली होती हैं। बाकी आप ये देखिए खूबसूरत इसका शेप जो है ना इस वाली विड्स का बहुत खूबसूरत है, ये देख सकते हैं हेडलाइट भी प्रॉपर हैं, कहीं से प्लास्टिक भी डैमेज नहीं है। बम्पर देख सकते हैं, बम्पर भी इसका सॉरी बोनट देख सकते हैं, बोनट भी इसका साफ़ सुथरा है। बाकी बम्पर वगैरह भी आप देख सकते हैं, फॉग लाइट जो है उस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं है। बाकी बम्पर भी देखें प्रॉपर फिक्स्ड है, कहीं से बम्पर वगैरह भी डैमेज नहीं है या निकला हुआ नहीं है। तो ये देख ली बज़ाहिर फिज़िकल, बाकी इंटीरियर देखते हैं। डोर की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं डोर भी कैसा साफ़ सुथरा मौजूद है। फीचर्स की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं इसमें पावर विंडोज़ वगैरह गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, पावर स्टेयरिंग है, डैशबोर्ड देख सकते हैं साफ़ सुथरा है। ये देखें एक्स्ट्रा फीचर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं, ये देखिए डैशबोर्ड वगैरह क्या साफ़ सुथरा ओनर ने रखा हुआ है। छत भी देख सकते हैं प्रॉपर छत जो है उसकी मौजूद है। सीट्स देखिए तो काफ़ी अच्छी और साफ़ सुथरी कंडीशन में गाड़ी मौजूद है। ये ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन के अंदर अवेलेबल है। ये पिलर देख सकते हैं, ये पिलर भी साफ़ सुथरे हैं। ये आप देख सकते हैं इसके डोर वाइज कंडीशन, तो मैंने जैसा कि आपको बताया ये देखिए इवन दो ये भी जो है इसका आप देखिए यहाँ भी रस्टिंग से साफ़ है। और ये देखें फुटपाथ वगैरह साफ़ सुथरी प्रॉपर जो है, रबड़ भी शील्ड है। ये देख सकते हैं नाज़रीन बैक डोर भी देखिए साफ सुथरा, ये देख सकते हैं आप इसकी बैक से भी सीट्स वगैरह देखें, ये आप देख सकते हैं। इसका थोड़ा सा मुझे इसका ये एक चीज़ जो आ रही है वो आ रही है सीटिंग कैपेसिटी की पीछे की, बाकी तो ओवरऑल जो है गाड़ी साफ़ सुथरी है। ये इंजन रूम देख सकते हैं, इंजन रूम भी प्रॉपर सर्विस हुआ हुआ आया है, साफ़ सुथरा है, ड्राई बैटरी मौजूद है। बोनट वगैरह देख सकते हैं प्रॉपर साफ़ सुथरा बोनट भी इसका मौजूद है। तो चलिए चलते हैं ओनर के पास और मज़ीद डिटेल गाड़ी की लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? एहसन नाम है। अच्छा एहसन भाई हमारे व्यूवर्स के साथ अपनी गाड़ी की डिटेल्स शेयर कीजिएगा। ये 2018 का मॉडल है और 22 की रजिस्टर्ड है, ये मेरे नाम के ऊपर है गाड़ी और
मैं इसका ओनर हूँ और क्या कहते हैं पूरी गाड़ी ओरिजिनल है और बाकी 72,000 इसकी माइलेज है, 52 पे इंपोर्ट हुई थी और राइट नाउ 72 है ना। सही है, गाड़ी कराची में कहाँ मौजूद है? गाड़ी गुलशन इकबाल में मौजूद है और जिसको भी विजिट करना हो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, कर दे 0321-256-8009। नाज़रीन नंबर आपके पास आ गया है हसन भाई का, आपको लोकेशन भी पता चल गई है, मज़ीद डिटेल के लिए आप गाड़ी को विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोज़ अगर आप हमारे चैनल पर मज़ीद देखना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन से अपनी राय से ज़रूर आगा कीजिएगा हमें। प्लस आप किसी गाड़ी का, किसी स्पेसिफिक गाड़ी का अगर आप रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसको भी ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में हमें, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम उस गाड़ियों का भी रिव्यू करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।